भारत में एक वन जीबी डेटा कोल्ड ड्रिंक की एक छोटी सी बॉटल से भी सस्ता है। यही सस्ता डेटा आज सर्विस डिलीवरी का प्रभावी माध्यम बन रहा है। वहीं मेक इन इंडिया आज ग्लोबल ब्रांड बनकर के उभरा है। आज हम ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हैं। विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत ग्लोबल हब बनता जा रहा है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में तो हम नंबर वन बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरदार साहब की जन्म जयंती तो हम हर बार मनाते आए हैं, लेकिन इस बार पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित होने वाला है, क्योंकि सरदार साहब की जन्मभूमि गुजरात की धरती पर सरदार साहब का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बन रहा है। और ये इतना ऊंचा है कि समझने के लिए मैं कहूंगा ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डबल ऊंचा है। सरदार साहब की प्रतिभा जितनी उतनी थी ऊंची थी, प्रतिमा भी उतनी ही ऊंची बनेगी। आज भारत परिवर्तन के बड़े दौर से गुजर रहा है। दुनिया आज मानवता की सेवा के लिए भारत के प्रयासों का गौरवगान कर रही है। भारत में जो नीतियों का निर्माण हो रहा है, जनसेवा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, उसके लिए देश को सम्मानित किया जा रहा है। भारत और जापान के इतिहास को जहां बुद्ध और बोस जोड़ते हैं, वहीं वर्तमान को आप जैसे नए भारत के राष्ट्रदूत मजबूत कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन से लेकर के स्मार्ट सिटी तक आज जो न्यू इंडिया का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसमें जापान की भी भागीदारी है। मैं सोल पीस प्राइज की जूरी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मोदीनॉमिक्स की प्रशंसा की है। उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मोदीनॉमिक्स की बजाय ये इंडोनॉमिक्स का सम्मान है।